टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो को बड़ा झटका लगा है। सितंबर में नए ग्राहकों को जोड़ने के मामले में जियो को एयरटेल ने पीछे छोड़ दिया है। प्राई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में एयरटेल के नए ग्राहकों की संख्या में जियो से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सितंबर महीने में एयरटेल ने 37,70,000 नए कनेक्शन जोड़े हैं। जियो ने 14,60,000 और बीएसएनएल ने कुल 78,454 नए ग्राहक बनाए, जबकि वोडाफोन आइडिया ने सबसे ज्यादा 46,50,000 ग्राहक गंवाए। MTNL को 5,784 और रिलायंस कम्युनिकेशंस को 1,324 ग्राहकों का नुकसान हुआ है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि एयरटेल फिर से दम भरने को तैयार है। इससे पहले जून महीने में भी एयरटेल ने जियो के मुकाबले ज्यादा नए ग्राहक जोड़े थे। जियो की सर्विस में आ रही दिक्कतों की वजह से भी ग्राहकों का अब जियो से मोह भंग होता दिख रहा है। हालांकि ग्राहकों की संख्या के मामले में अभी भी रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। रिलायंस जियो के 40,41,00,000 ग्राहक हैं। एयरटेल के पास 32,66,00,000 ग्राहक हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया के 29,54,00,000 ग्राहक हैं, बीएसएनएल के 11,88,00,000 जबकि एमटीएनएल के 33,30,000 कनेक्शन हैं। कुल ग्राहकों की संख्या के मामले में जियो और एयरटेल के बीच अभी काफी लंबा फासला है, लेकिन इस आंकड़े में एक और पेच है, वो है किसके कितने एक्टिव यूजर्स हैं। देखा जाए तो एक्टिव यूजर्स से ही टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा कमाई होती है। एक्टिव यूजर्स के मामले में एयरटेल ने जियो से बाजी मार ली है। सितंबर में एयरटेल के 31,60,00,000 एक्टिव यूजर्स थे, जियो के 31,28,00,000 एक्टिव यूजर्स थे, तो वहीं वोडाफोन आइडिया के 26,23,00,000 एक्टिव यूजर्स थे। यानी एक्टिव यूजर्स के मामले में रिलायंस जियो से एयरटेल आगे निकल गई है। वैसे देखा जाए तो कुल ग्राहकों से ज्यादा फायदेमंद कंपनियों के लिए एक्टिव ग्राहक रहते हैं, क्योंकि कमाई तो टेलीकॉम कंपनियों को एक्टिव ग्राहकों से ही होती है। एक्टिव ग्राहक की हर महीने रिचार्ज या बिल का भुगतान करते हैं, इसलिए हम एयरटेल को रिलायंस जियो से आगे बता रहे हैं।